सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी टंकन न्यू पैटर्न पे। आपको पता ही होगा कि 21 तारीख का पंचायत सचिव का एग्जाम हो चुका है और आने वाले जो एग्जाम है आपके 28 तारीख और 4 फरवरी को। तो 21 तारीख को जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आया था हम उसी पैटर्न को आज डिस्कस करेंगे और आने वाले जो एग्जाम है 28 और 4 को उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके साथ ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टंकन है, टंकन पद्धति का आविष्कार कब और किसने किया। ये क्वेश्चंस देखिए आपका 21 तारीख को आया हुआ था, तो हम लोग एक बार चलिए इसको देख लेते हैं। आपका क्वेश्चंस आपका रिपीट भी हो सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है फ्रैंक एडवर्ड मैकगुरिन। तो इन्होंने इन्वेंटेड किया था आपका टच टाइपिंग, ये आपका 1888 ईस्वी में। लेकिन ऑप्शन में आपका क्वेश्चंस में कुछ गलत दिया हुआ है, लेकिन ये विकिपीडिया में ये दिया हुआ है। चलिए आगे है आपका कि हरमन हॉलरिथ। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने जो डेवलप किया है फर्स्ट की पंच डिवाइस, ये आपका आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, आपका पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा आप हरमन हॉलरिथ फर्स्ट की पंच डिवाइस। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में वो कैसे होता है। देखिए इन स्क्रिप्ट हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए भारत की एक आधिकारिक पद्धति है। क्या है आपका? इन स्क्रिप्ट हिंदी। इसके बाद है आपका इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक स्टैंडर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनिक कोड एक मानक है या फिर भारत में उच्चतम गुणवत्ता की वस्तुओं के लिए ISI मानक प्रचलित है। जिस प्रकार है उसी प्रकार आपका एक मानक स्टैंडर्ड है आपका भारत का भी। तो उन्होंने इन स्क्रिप्ट हिंदी को एक मान्यता प्रदान की है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आपका कि अन्य कोई भी कीबोर्ड जो है भारतीय भाषाओं के लिए मानक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। चलिए अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इससे एक दो क्वेश्चन आपका प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था 21 तारीख को उससे पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह को शब्द के तुरंत बाद लगाकर डैश स्पेस छोड़ना चाहिए। तो आपको बताना है कि कितना स्पेस इसमें छोड़ना चाहिए। तो याद रखिएगा दो स्पेस छोड़ना चाहिए। क्या क्या? तीन चीज पे, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय बोधक चिन्ह। चलिए आगे आप देख लेते हैं। चलिए पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग में डैश अपनानी चाहिए। क्या अपनानी चाहिए? एक रूपता। चलिए आगे आपका कोमा और अल्प विराम और परसेंटेज के पहले डैश स्पेस छोड़ना चाहिए। कितना स्पेस छोड़ना चाहिए? पहले पहले जो है कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए पहले, और उसी को यदि आपको बाद में बोले कि कोमा अल्प विराम और परसेंटेज के बाद कितना स्पेस छोड़ना चाहिए तो इसमें एक स्पेस छोड़ना चाहिए। पहले कोई नहीं स्पेस छोड़ना चाहिए और बाद में एक स्पेस छोड़ना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। चलिए और आगे है कि दो शब्दों के बीच में डैश के पहले या बाद में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए तो कोई नहीं। जैसे एग्जाम्पल से आप देखिए कि धीरे डैश धीरे है, तो देखिए पहले और बाद में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे है आपका कोलन डैश, देख पा रहे होंगे इसका चिन्ह भी आप, पहले फिर डैश और बाद में डैश स्पेस छोड़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले और बाद में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए तो एक एक स्पेस आपका छोड़ना चाहिए कोलन डैश के लिए, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए रमन क्लासेस को हम यदि कोलन डैश में लिखते हैं तो कोलन डैश के बाद आपको एक स्पेस छोड़ना है, फिर उसके बाद रमन लिखना है, फिर क्लासेस, फिर उसके बाद आपको एक स्पेस छोड़ना है, फिर कोलन, यही है आपका इसमें। चलिए आगे आपका कि प्रत्येक पैराग्राफ के लिए डैश स्थान छोड़ना चाहिए, कितना? समान स्थान छोड़ना चाहिए, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आपका कि इन्वर्टेड कोमा, जैसे आप देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड कोमा का ये साइन है, का प्रयोग करने के लिए उसके बाद कितना स्पेस छोड़ना चाहिए तो कोई भी स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। जैसे देखिए कि कोई नहीं, एक आपका जैसे ये है तो इसमें देखिए कोई भी स्पेस आपका छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है कि कोई एक लाइन छूट जाने पे कितनी गलती मानी जाती है, तो देखिए उस लाइन में जितने भी शब्द होंगे उतनी आपकी गलती मानी जाती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिंगल लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस और थर्ड लाइन स्पेस।
तो इससे भी आपके एक क्वेश्चंस रहे थे एग्जाम में, तो हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सिंगल लाइन स्पेस कब दिया जाता है। देखिए पत्रों में जब पता आप लिखते हैं तो उसमें सिंगल लाइन स्पेस का यूज किया जाता है, और डबल लाइन स्पेस का कब यूज किया जाता है, देखिए सामग्री और लिफाफे पर जब आप पता लिखते हैं उसमें आप डबल लाइन स्पेस का यूज किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और थर्ड लाइन स्पेस कब यूज किया जाता है, पत्रों के समापन सूचक, ये एक साथ है समापन सूचक, मतलब कि जैसे आप पत्र लिख लेते हैं तो बोलते हैं ना आपका या भवदी जो भी है, तो उसके नीचे जो अपना जब आप नाम लिखिएगा तो उसमें आप 3 लाइन स्पेस का जगह छोड़िएगा, तो वही कहने का इसका मतलब है। तो चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें देखिए हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ये पूछा गया था, और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ये क्वेश्चन था। देखिए ये जो आपका है इस पे देखिए बहुत जगह अलग अलग आपका दिया गया है, तो इस पे मैंने कलेक्शन किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इसमें टिक मारना है। देखिए पहले जान लेते हैं, देखिए हिंदी में उच्चारण के आधार पे 45 वर्ण है जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है, ये आपके उच्चारण के आधार पे है। और देखिए लेखन के आधार पे यदि आपसे पूछता है तो 22 वर्ण है जिसमें कि 13 स्वर और 35 व्यंजन है, और 4 आपके जो है वो संयुक्त व्यंजन है। और संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर 33 व्यंजन और 2 जो है आपका स्वराश्रित है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें 49 वर्ण है। तो देखिए तो इसमें देखिए कितना कंट्राडिक्ट है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहा है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में आपसे यदि अक्षर पूछता है तो सबसे ज्यादा जो होता है आप उसको टिक कर सकते हैं। देखिए किसी में 49 दिया रहता है, 45 भी दिया देगा आपका, 52 भी देगा, तो आप उसको लेखन के आधार पे मानिए 52 मानिए, या फिर 52 ऑप्शन नहीं देता है तो 49 दिया हुआ है तो आप 49 इसमें क्लिक कर सकते हैं। और स्वर में आप देखिए स्वर आप यदि 13 यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो आप 13 ही मारिए, और व्यंजन जो है आपका 33 व्यंजन को आप मान सकते हैं इसमें। तो ये आपका तीनों जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, इस पे अभी एकमत नहीं है इन चीजों पे लेकर के, तो इसलिए आप अपना विवेक के साथ इसको मारिएगा। तो चलिए ये थे आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया। और हम और भी आपका बहुत ही जल्दी कुछ नया नया चीज को लेकर के आएंगे, आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना भी आप ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।